आलस में जिए चाहे अमृत भी पिए, वह खून का पीना होता है। और धिक्कार है ऐसे जीने में जहाँ मार के जीना होता है। श्रद्धा से जहाँ सर झुक जाए, श्रद्धा से भाव से, श्रद्धा से जहाँ सर झुक जाए वहीं पे काशी मदीना होता है। आगे भैया मेहनत का पसीना गिरता है तो कम कर ली नदीना। समझो, क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी हसीन है तो जिंदगी से प्यार करो, जिंदगी हसीन है तो जिंदगी से प्यार करो, और है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आया आएगा हम आपकी जिंदगी में, बस भोले बाबे पे भरोसा और वक्त का इंतजार करो। करो बेटा, हमारे बांके भैया भी भोले बाबा के पुजारी हैं। इसीलिए तो कहा है बांके बिहारी लाल कहना है। दूसरा गीत दे रहा हूँ बड़े प्रेम से, बांके भैया इस गीत को साधिएगा जी, और प्रयास करिएगा जब आप ऐसा लिखा लिख के आना चाहिए। रखिए भैया यार, जब आप ऐसा आ जाए कि लोगों को एक एक लाइन समझ में आ जाए, वही जवाब है। देखिए यहाँ से प्रयास किया गया जी, बस्ता में काफी ढूंढी जा रही है अभी। आपने अपने गीत में दिया है जी कि मेरे मन में बसे हैं परशुराम जी, मेरे हृदय में बसे हैं सियाराम। प्रयास यहाँ से भी किया गया, भगवान राम कह रहे हैं मेरे मन में बसे हैं भोलेनाथ। रावण ने कहा मेरे मन में बसे हैं विश्वनाथ। अर्जुन ने कहा मेरे मन में बसे हैं यदुनाथ। तबीयत तो ठीक है, लीजिए ये सब टैबलेट का कमाल है। गीत बजा कौन सा, बहुत ही पुरानी फिल्म है, फिल्म का नाम हमको मालूम नहीं है जी, शोले कि ना तो हम ना तो हवा हो राजकुमार थे, ये सूरत आपकी बदसूरत कैसे हो गई? अगर आपने गलत काम ना किया होता, छल ना किया होता तो ये श्राप ना मिला होता, तो ये सूरत बदसूरत ना होती। पूरे शरीर में इंद्र के भगव के जब निशान हो गए, भक्ति निशान हो गए,
और सुंदर सजीले राजकुमार की सूरत बदसूरत हो गई। तो सुनिएगा, इंद्र की पत्नी सच्ची कहने लगी, प्रभु क्या चूके सैया सच्ची कहने लगे भैया कि चूके सैया जी हमारे सैया, अरे क्यों चूके। अगर अहिल्या के साथ में छल ना करते तो ये सूरत बसूरत ना होती आपकी। और कहा देखो सूरत सूरत देखो सूरत पिया की मेरा दिल चूके सैया जी हमारे सैया क्यों चूके भाई साहब। सुनिएगा, सच्ची कहने लगी कि स्वामी आपके तन में भक्त तो है, पूरे तन में लगभग लग मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ, स्पष्टीकरण कर देता हूँ। जिस शब्द से लाइन शुरू हो रही है, जो विधा आपने डाली मैंने भी अपनी तरफ से वही भी डाल दिया जी, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर। भक्त तो है पूरे तन में लगभग लग सची कहने लगे स्वामी आपके इस तन को देख करके कि भग गई है खुशियां मेरी और चैन हो गया। और अरे आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में बैठते हो, आप ये छू को कैसे कर दी, कैसे आप छू गए हैं। सुनिएगा, साथी है ये साथी है ये महेश ब्रह्मा विष्णु के। फिर भी चूके चूके मोरे सैया सैया चूके मोरे सैया चूके सैया जी हमारे चूके चूके सैया आपने सीता का हरण करके ऐसा काम कर दिया है कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कहने लगे मंदोदरी कि सुनिए स्वामी कि हर लिया चैन मेरा पुजारी हो स्वामी के हर के पुजारी हो के हर के पुजारी हो के लायक क्यों सिया। भाई भोले भोले भैया, बम भोले बम
हम भी सुना के हर के पुजारी होके लायक तुम सिया। आप शंकर भगवान के पुजारी थे फिर भी सीता का हरण कर लिया। के हर के पुजारी होके लायक तुम सिया। मंदोदरी कहने लगी स्वामी काम ऐसा ऐसा काम ऐसा किया के दुनिया थूके थूके चूके मोरे सैया सैया चूके मोरे सैया चूके सैया जी हमारे पहले सतयुग इसके बाद त्रेता मैं मंदोदरी रावण की कथा हम चलिए चलते हैं द्वापर में देखते हैं आपको। हाँ चलो देखा पड़ी चल रही है। एक बार दुष्ट दुशासन आदरणीय हमारी माता है मैंने ध्यान दें बोले भाई दुष्ट दुशासन एक ज्ञान गोड़ी और सुन रहेगा दुशासन जिस समय द्रौपदी का चीर खींच रहा है उस समय द्रौपदी कृष्ण की बहन है तो उनको एक नाम मिला कृष्णा द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है तो आज कृष्णा कृष्ण को याद करेंगे आओ भैया और इस दुष्ट दुशासन से हमारी लाज बचाओ भैया कह गई कि आज इस भरी सभा में हमारे पांच पांच वंशाली पति बैठे हैं पांच पांच वंशाली पति मुंह छुपाए बैठे हैं क्यों सर नीचा किए हुए बैठे क्यों टिक्टर से है सारी खींचे साड़ी खींच रहा है दुशासन कि तर से है साड़ी खींचे रहेगा नग्न कर आप नैया हमारी लाज को बचाओ क्योंकि आज ये नग्न करके छोड़ेगा मुझे। देखा पड़ी चल रही है साहब सोच रही है द्रौपदी कह रही भैया तर से है साड़ी खींचे रहेगा नग्न कर और हे कन्हैया कर दो कृपा कृष्णा पे कन्हैया कृपा कर आप लोग कृपा कर कहते हैं बाकी बिहारी भी करुणा कर कहते हैं तो कहना है क्या कर दो कृपा कृष्णा पे कन्हैया कृपा कर क्योंकि आज हमारे पांच पांच पति बोले भाई पांच पांच पति मुंह लटकाए बैठे हैं क्यों सुनिए लिखा पड़ी चल रही है इसलिए भूल कर दी हमारे पति ने क्या बात है पंडित भाई भूल कर दी पिया ने पासे छूके अगर अगर हमारे स्वामी चौपर ना खेलते पासे ना फेंकते तो आज ये नौबत रहा थी पासे छूके
एक लाइन और पढ़ रहा द्रौपदी उदास चेहरा नहीं हुए, मन में सोच रही थी आज हमारे पांच पांच पति मुंह लटकाए बैठे वीर योद्धा लिखा पड़ी तो हे स्वामी देखो सूरत सूरत देखो सूरत दिया की मेरा दिल दुखे अंत में कलियुग क्षतियुग त्रेता द्वापर और अंत में कलियुग सुनेगा चंद्रायन और सुनेगा चल पाता चोर ना कोई मन होता चंचल भैया चल पाता चोर ना कोई मन होता चंचल को अचल करता है चल को अचल चल को अचल करता है भक्ति का अचल हमारे रानी में फिर सुमन फिर सुमन फिर सुमन मन ना कोई रसता ठूके चूके सैया जी हमारे चूके सैया हमारे सैया
वैसे मैं कह दूं कि इंद्र चूके नहीं, ने वो कुकर्म किया जानबूझ के गए, काहे के चूके, ये चूके नहीं है, ये जो काम करने के लिए गए वो काम करके आ गए, चूके नहीं। तो देखिए चूका कौन है, सुनिए। पैरों तले पड़ गया, गौतम ऋषि को दया आ गई, उन्होंने कहा जाइए, ये जो हजार भक्त तुम्हारे शरीर में है, ये नेत्र के रूप में परिवर्तित हो जाए। क्या बात, अपनी पत्नी के पास नहीं पहुंच पाए, पत्नी ने तो उनके सैकड़ों नेत्र देखे, तब पूछा कि ये क्या है बात, आपने तो शरीर में सैकड़ों आंखें कर ली, लेकिन आपने जो लिखा है वो क्या कहते हैं, आपकी लेखनी की बात है। तो हुआ क्या, श्राप दिया गौतम ऋषि ने, क्रोध में आके मुनि गौतम ने सुरपति को श्राप सुनाया, पत्नी अहिल्या से आकर के फिर ऐसे वचन सुनाया, गौतम ने श्राप दिया और उसके बाद अहिल्या के पास आ गए और कहने लगे, अरे अहिल्या चूकी सजनी, चूकी सजनी हमारी सजनी कैसे चूकी, कैसे चूक गई, तुम्हें चूकना नहीं चाहिए, क्यों तुमसे ज्यादा ये दुनिया, अब तुमसे ज्यादा ये दुनिया हमें पर थूकी, नारी नारी अगर घर की बैठ जाए तो पुरुष को ही लोग बाग थूकते हैं, अपनी नारी भी नहीं रखा। क्या बात है, ये 100 रुपए हमारे दद्दू की बड़ी बहू गीता सोनी की तरफ से प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है, और हमारे कुशवा लाइट जो डेकोरेशन वाले हैं उनकी तरफ से भी पुरस्कार प्रदान हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने लगे गौतम, तुमसे ज्यादा ये दुनिया हमें पर चूकी सजनी, पति का बना के भेष आया था सुरपति, और पति पिता हो करके ना पहचाना पति, अरे तू कैसे पति पिता है, अपने पति को नहीं पहचान भाई, कर चाहिए समझदारी, रहने दो भाई साहब, ज्यादा ना करो। ऋषि मुनि महात्मा हमें काटो की, अब ये ऋषि मुनि महात्मा हमारे संग के हमका टोकी, क्या टोकी, कि चूकी सजनी हमारी सजनी, कैसे चूकी सजनी Oh,
अब जलंधर मर नहीं पा रहा है। विष्णु गए छल करने के लिए वृंदा से जाकर के जलंधर के रूप में छल किया, और जब छल किया तो शंकर जी ने त्रिशूल चला दिया उनके हृदय पे। जलंधर मरने लगा, मरते मरते सोचने लगा जलंधर, कहने लगा सत्य है सत्य पथ पर, सत्य है सत पर विजय पाता ना असत्य है। सत्य है ये विजय, सत पर असत्य विजय नहीं पाता है। सत्य है सत पर विजय पाता ना असत्य है। सत्य है मराना जब तक सती रहा सत्य है। सत ने ही असत की, सत ने ही असत की दुनिया फूंकी। सत ही विजय पा गया क्योंकि सत ने असत की दुनिया फूंकी। तो जलंधर सोच रहा है चूकी सती, चूकी सती हमारी दिया। कारण है कोई पुत्र अपने पिता को जेल नहीं डाल सकता, कोई पुत्र नहीं डाल सकता। लेकिन एक गुप्त बात आपको बता दे, कंस जो है उग्रसेन का पुत्र था ही नहीं, ना कत्ता ही नहीं। कंस जो है उग्रसेन का पुत्र नहीं था। जब पद्मावती अपने मायके गई, मायके गई कुछ दिन मायके रहने लगी, तो उधर एक दुर्मिल नाम का राक्षस था, कहीं पे लिखा है कोविल नाम का राक्षस था, जो उसके पिता के पास आता था। उसने पद्मावती को देख लिया और उग्रसेन का रूप बनाकर उसके साथ छल किया। जब उग्रसेन का रूप बना लिया, पद्मावती सोच रही है क्या? मन का मीत है से हुई मन ही मन। अरे तूने ये नहीं सोचा कि ये मन का मीत है या कोई दुश्मन है, मन में ना बिचारा खुश हो गई मन ही मन। मन का मीत है या है कोई दुश्मन, मन में बिचारा ना बस खुश हुई मन ही मन। अरे तू इतनी प्रेम करने लगी मुझसे, साथ तुमने संभोग कर लिया, और वही ये पुत्र हुआ जिसने हम और आपको आज जेल में डाल दिया। प्रेम सागर में आए, प्रेम सागर में डूबी ना फिर ढूंढे। प्रेम सागर में इतनी डूब गई कि फिर ढूंढी नहीं, देखा भी नहीं। प्रेम सागर में डूबी
चूके सजना हमारे सजना क्यों चूके, जवाब में चूकी सजनी हमारी सजनी क्यों चूकी। इस जवाब पर 51